चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है समझते हैं यहाँ पे। फॉर सेट ए, क्लियर है, अगर एक सेट ए है यहाँ पे देखना भाई ध्यान से, यदि ए कामा बी, इफ ए कामा बी रिलेटेड टू, रिलेशन है ए कामा बी का किस में, आर में, क्लियर है। अगर ए कामा बी का रिलेशन है आर में एंड बी कामा सी का भी रिलेशन है किस में भाई, आर में, क्लियर है। इसका इम्प्लाइज ये होगा कि अगर ए कामा बी रिलेशन में है, बी कामा सी रिलेशन में है, तो ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, क्लियर है। ए कामा सी आल्सो बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट ए, क्लियर है। समझना है यहाँ पे कि अगर ए कामा बी, ध्यान देना भाई, अगर ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी भी उस रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है। एक बार दोबारा समझ लो भाई, अगर ए कामा बी उस रिलेशन में है, बी कामा सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कामा सी भी होना चाहिए उस रिलेशन में। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है। दूसरी तरीके से समझ सकते हो भाई यहाँ पे कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी, क्लियर है, एंड बी रिलेटेड टू सी, इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दैट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, अगर ऐसा आ जाता है, क्लियर है, तो इस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं कि कौन सा रिलेशन है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है। ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंगिंग टू सेट ए, क्लियर है। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग बोलते हैं ये कौन सा रिलेशन है भाई हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। आई बात, तो ट्रांजिटिव का मतलब समझ में आया कि सर अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है, तो इसका मतलब ए कामा सी होना चाहिए, क्लियर है। अरे एक थ्योरम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो ना कि अगर ए बी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी इक्विलिब्रियम में है, तो ए कामा सी भी इक्विलिब्रियम में आता है, तो उसको कुछ बोलते हैं, क्लियर है। ऐसे ये भी है कि यदि ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होता है, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है। आओ इसके थ्रू कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जाम्पल देखें भाई यहाँ पे, आर वन इज इक्वल टू वन कामा वन, ध्यान देना भाई यहाँ पे वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, थ्री कामा थ्री एंड फोर कामा फोर। इसमें हम टोटल ओवरऑल तीनों रिलेशंस की बात करेंगे, क्लियर है। सेट ए जो है तुम्हारा, सेट ए लिख लेंगे भाई वन कामा टू कामा थ्री कामा फोर, क्लियर है। क्वेश्चन खुद से करते रहें, वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, वन कामा टू, वन कामा टू एंड टू कामा वन, क्लियर है, टू कामा वन। आओ बात करते हैं यहाँ पे, ये बताओ भाई ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। टोटल लिख लें आइडेंटिटी, क्लियर है, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सब पे चर्चाएं करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी है या नहीं है, बिल्कुल है, तो आइडेंटिटी पे टिक कर दो भाई, आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि ए कामा ए होना चाहिए और ए कामा ए है, तो अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव अपने आप हो जाएगा, क्लियर है। बात करते हैं सिमेट्रिक, तो क्या ए कामा ए है, अरे भाई वन कामा वन है तो वन कामा वन होना चाहिए, बिल्कुल है, रिवर्स होना चाहिए तो रिवर्स है ही, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। बात करते हैं ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव क्या कहता है, यदि ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी होना चाहिए, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि ए कामा बी है और बी कामा सी, मतलब वन कामा वन है, वन कामा वन है, तो वन कामा वन भी होना चाहिए, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट आर वन रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आर वन के बारे में ये बता सकते हो। बात करते हैं अब किसका, आर टू, आर टू ध्यान देना यहाँ पे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है या नहीं भाई, पहले आइडेंटिटी बताओ, आइडेंटिटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वन कामा वन है, टू कामा टू है, थ्री कामा थ्री है, लेकिन फोर कामा फोर भी नहीं है और इतना एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का, अब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्यों, क्योंकि फोर कामा फोर ही नहीं है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक का, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए, बिल्कुल है, वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, वन कामा टू है तो टू कामा वन है, इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है, क्लियर है। बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि यदि ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो वन कामा वन है, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, वन कामा टू है, टू कामा वन है, तो क्या टू कामा वन कामा वन भी होना चाहिए, अरे भाई वन कामा टू होना चाहिए,
क्लियर है? तो 1,2 इसमें है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। आसान है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या अगर एज अ सेट कोई भी प्रॉब्लम दे दे तो बता ले जाओगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कि एक किस टाइप का रिलेशन है? जितने भी तीनों टाइप के रिलेशन पढ़े हो इसको बार बार रिवाइज करें, छोटे छोटे नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें। तो पहला हमने क्या सीखा था भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आज के टर्न पे? रिफ्लेक्सिव ये होता है सर, ए कामा ए होना चाहिए उस सेट में, क्लियर है? उसके बाद हमने सीखा क्या? सिमेट्रिक रिलेशन, कि सर अगर उस एक रिलेशन में ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा ट्रांजिटिव रिलेशन, कि सर अगर ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी होना चाहिए उस रिलेशन में, क्लियर है? तो थ्री टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है? यही तीनों टाइप हर जगह तुम्हारा पूछा जाएगा, क्लियर है? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में लगभग 2 नंबर के सवाल तो आते ही हैं हर साल, क्लियर है? अब इससे बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। आओ ध्यान देना भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट, क्लियर है? एक रिलेशन है जो डिफाइंड है एक्स कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्लियर है? सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तुम्हें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे, तीनों पे तुम्हें चर्चाएं बढ़ानी है कि सर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या तीनों है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो क्या एक्स कामा एक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्स कामा एक्स भी तो सेम जगह पे काम करेंगे, क्लियर है? अगर एक्स कामा वाई एट सेम प्लेस पे वर्क एट सेम प्लेस लिख लेना भाई, अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स और एक्स भी एक ही जगह पे काम करेंगे। इसका मतलब क्या एक्स कामा एक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर एक्स कामा एक्स हो सकता है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, एक्स कामा वाई, अगर एक्स कामा वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो मतलब वाई कामा एक्स भी सेम ही प्लेस पे वर्क करेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर एक्स कामा वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो वाई कामा एक्स भी सेम ही प्लेस पे वर्क करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें तो सेम ही है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर एक्स कामा, ध्यान देना कि एक्स कामा एक्स वन सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं और एक्स वन कामा एक्स टू सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स वन कामा एक्स टू भी सेम ही जगह पे वर्क करेंगे। अरे भाई, यदि ए कामा बी सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं, बी कामा सी सेम जगह पे कर रहे हैं, ए कामा सी भी सेम जगह पे करेंगे, क्योंकि ए कामा बी कामा सी इसका मतलब पास ही में है, और पास ही में तो ए कामा सी भी सेम जगह पे वर्क करेंगे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, क्लियर है? तो ये समझ में आया भाई कि एक्स कामा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेसेस, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आओ इसमें कुछ और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेम लोकालिटी, क्लियर है? एक्स एंड वाई हैविंग सेम लोकालिटी, मतलब उनकी लोकालिटी सेम है, क्लियर है? तो अगर यहाँ पे देखो एक्स और वाई, क्लियर है, रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें तो क्या एक्स कामा एक्स अगर एक पास में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, क्लियर है? एक्स कामा एक्स मतलब दो लोग हैं, अगर एक ही लोग हैं दो लोग, क्लियर है समझना, मतलब दोनों लोग सेम हैं तो जाहिर सी बात है पास ही में तो रहेंगे, क्लियर है? तो एक्स कामा एक्स हो सकता है, तो एक्स कामा एक्स हो सकता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स कामा वाई, अगर एक्स कामा वाई पड़ोस में रह रहे हैं, एक्स कामा वाई, तो जाहिर सी बात है वाई कामा एक्स भी पड़ोसी में ही रहेंगे, क्लियर है? आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। अब देखना ए कामा बी अगर पड़ोस में रह रहे हैं, बी कामा सी पड़ोस में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ए कामा सी भी पड़ोसी हुए। अरे ए कामा बी अगर पड़ोस में है, बी कामा सी पड़ोस में है, तो इसका मतलब ए कामा सी भी तो पड़ोसी में होंगे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्लियर है? और इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भाई, समझो यहाँ पे। एक्स एंड वाई, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, क्लियर है? अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की, तो सर एक्स कामा एक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स कामा एक्स हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स वाई ऐसा उठाना है, क्लियर है, कि वो एक्स इज 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई,
ऐसा एक्स उठाना है जो 7 सेंटीमीटर बड़ा हो वाई से, यहाँ पे ऐसे ऑर्डर पेयर उठाने हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स तो सेम हो जा रहे हैं, तो खुद खुद से तो 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, क्लियर है? अरे भाई खुद से कोई खुद खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे समझना कि x कामा वाई है, मतलब x अगर बड़ा है 7 सेंटीमीटर y से, तो इसका मतलब y थोड़े ना बड़ा होगा 7 सेंटीमीटर x से, वो तो छोटा हो जाएगा, क्लियर है? तो मतलब x कामा y है तो y कामा x बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का, ठीक है? ट्रांजिटिव की बात करो भाई यहाँ पे, अगर x देखना, अगर a b से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, क्लियर है, और b बड़ा है c से 7 सेंटीमीटर, तो क्या a बड़ा आएगा c से? नहीं, ये तो 14 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। आओ कुछ और एग्जांपल कर देखते हैं इसके। x इज द वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y, ध्यान देना भाई यहाँ पे, x इज द वाइफ ऑफ y, x y ऐसे ऑर्डर्ड पेयर तुम्हें सेलेक्ट करना है जिसमें x जो है वो वाइफ हो y की वाइफ हो, क्लियर है? तो यहाँ पे x कामा x तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद खुद की वाइफ थोड़े ना हो जाएगी। अरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्लियर है? कि x इज द वाइफ ऑफ y, मतलब x जो है वाइफ होना चाहिए y का, तो x कामा x तो उठा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये खुद खुद की वाइफ थोड़े ना हो जाएगी, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ, या तो फिर मेकअप करके चली जाए, खुद को शीशे के सामने खड़ा कर ले, आर एस एंड टी, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर एक्स कामा वाई है, एक्स कामा वाई है और वाई कामा एक्स है, तो अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई भी वाई जो है एक्स का वाइफ होगा? अरे ऐसा तो नहीं हो पाएगा भाई, देखना ध्यान से, एक्स अगर वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई भी एक्स की वाइफ होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ ये तभी हो सकता है वही चीज़ कि अगर मेकअप करके सामने आके खड़ी हो जाए, क्लियर है? कि दोनों लोग इंटरचेंज कर लें आपस में, उनका पैंट शर्ट वो पहन ले और उनका, लेकिन उससे भी कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखना भाई, अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई क्या एक्स की वाइफ होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर है? या तो फिर एक दूसरे के पैंट शर्ट बदल लें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि सर ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर एक्स वाई की वाइफ है और वाई एक्स की वाइफ है, ये हो ही नहीं सकता, क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर ए कामा बी, बी कामा सी हो ही नहीं रहा है, तो ए कामा सी कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब ये अपने आप जो है ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा। ध्यान देना ट्रांजिटिव रिलेशन पे, ज़रूरी नहीं है कि अगर, ध्यान देना, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी होना चाहिए। ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी होना चाहिए। अगर ए कामा बी है, बी कामा सी है ही नहीं, तो ए कामा सी कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब कि ऐसे सिचुएशन में हम उसको बोल देंगे कि ये कौन सा रिलेशन है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे, x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y, क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। तो x कामा x तो हो ही नहीं सकता है, x कामा x, क्यों? क्योंकि खुद खुद का फादर थोड़े ना हो पाएगा। अरे भाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं कि x और y में क्या रिलेशन हो, x फादर हो y का, x इज द फादर ऑफ y, क्लियर है? x फादर हो y का, तो अगर सोचो x कामा x उठा लेते हो, तो इसका मतलब खुद खुद का फादर, ये तो बन ही नहीं पाओगे भाई, खुद खुद का फादर कैसे बन जाओगे, क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्लियर है? अब देखना यहाँ पे, अगर x x फादर है y का, तो क्या y फादर होगा x का? अरे भाई अगर x फादर है y का, तो क्या y फादर होगा x का? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर? एक दूसरे के माता पिता हो जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर x फादर है y का, तो y फादर है x का, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का, ट्रांजिटिव का। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से भाई, कि यदि ए बी का पिता है, ठीक है, और बी सी का पिता है, यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, तो क्या ए सी का पिता होगा? ऐसा नहीं होगा, वो तो ग्रैंडफादर हो जाएगा, ठीक है? ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, क्लियर है?
तो इसका मतलब ए सी का पिता होगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सम केसों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं माने जाएंगे। क्लियर? तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं हो पाएगा, वो ग्रैंडफादर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है? तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो क्या इतने एग्जाम्पल जो हम लोग किए ये आपके समझ में आया? क्लियर है? तो आगे आने वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर है?